तो ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, ये सब जाते हैं आत्मा के साथ इस शरीर से। तो क्या ये सब मैं है? क्या इंद्रियां मैं है? क्या मन मैं है? क्या सूक्ष्म शरीर मैं है? नहीं जी, ये मैं कैसे हो सकता है? ये तो सब मेरे हैं, मेरे, ध्यान दीजिए, मेरे, मेरे माने मैं के। जैसे कोई कहे ये मेरा बेटा है, यानी मैं का बेटा, यानी मैं बेटा नहीं हूं, मैं अलग पर्सनैलिटी हूं और ये मेरा बेटा है, मैं का बेटा है, ये रमेश है और ये रमेश का बेटा है। तो जो रमेश का बेटा है वो तो रमेश नहीं है ना, रमेश अलग है अपने बेटे से। हाँ, तो ऐसे ही ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, ये तो सब मेरे हैं। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मेरा मैं से पृथक हुआ करता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत सिद्ध हुआ कि जो शरीर छोड़ करके चला जाए उसको मैं कहते हैं, क्योंकि शरीर छोड़ करके जाने वाले तो और भी बहुत से हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर, तो ये तो मैं नहीं है। क्यों जी, क्या ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, ये आत्मा के साथ सदा नहीं रहते क्या? नहीं, जब महाप्रलय होती है, महाप्रलय, कयामत, उस समय मैं या आत्मा, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब से पृथक हो करके कारणार्णव में लीन हो जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि पेंडिंग में चला जाता है, कोई वर्क नहीं कर सकता उस समय, उसके पास अंतःकरण नहीं रहता, वरना तो फिर वर्क करने लग जाए वो, और अगर वर्क करने लग जाए तो फिर तो महाप्रलय और सृष्टि में कोई अंतर ही ना रह जाए। तो उस अवस्था में जब जीव कारणार्णव में लीन होता है, महाप्रलय की अवस्था में, उस समय वहां ना इंद्रियां होती हैं, ना मन होता है, ना बुद्धि होती है, ना सूक्ष्म शरीर, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब सुनिए कारण, इसीलिए कि वो जो कारणार्णव है जिसमें वो जीव लीन होता है, यानी भगवान का महोदर जिसको कहा जाता है, महोदर यानी बड़ा भारी पेट है भगवान का, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं भगवान के पेट में। अरे पूरे पेट की भी जरूरत नहीं, एक रोए में उनके अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाते हैं। तो वो जो कारणार्णव है वो दिव्य है, अलौकिक है, तो वहां पर माया नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, माया नहीं जा सकती वहां पर। और जब माया नहीं जा सकती तो माया के परिवार वाले भी नहीं जा सकते। और ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि, ये सब तो माया से बने हुए हैं, माइक है, इसीलिए ये उस दिव्य कारणों में नहीं जा सकते। इसीलिए केवल इन सबसे रहित दिव्य जीव ही उस दिव्य कारणार्णव में प्रवेश करता है और वहीं पर डूबा रहता है। तो चूंकि माया दिव्य कारणार्णव में नहीं जा सकती, इसीलिए माइक इंद्रियां, माइक मन, माइक बुद्धि, ये सब चीजें माया की बनी है, इसीलिए चूंकि उस दिव्य कारणार्णव में ये सब नहीं जा सकते, अकेला जीव वहां रहता है। अतएव ये फॉर्मूला, ये सिद्धांत, ये परिभाषा गलत है कि
कि जो शरीर को छोड़कर चला जाए उसको मैं कहते हैं। ये परिभाषा गलत, क्योंकि शरीर को छोड़कर जाने वाले तो और भी बहुत से सामान थे, लेकिन वो सब जीव का साथ छोड़ गए और अकेला जीव कारणार्णव में लीन हुआ। तो फिर क्या परिभाषा करें जी, बड़ी मुश्किल है ये तो। अरे अभी तक तो हम ये समझते थे कि जो शरीर छोड़कर चला जाए वो मैं है, आत्मा है। हाँ ठीक है, शरीर छोड़कर चला जाए वो आत्मा है, लेकिन खाली आत्मा ही तो शरीर छोड़कर नहीं जाता, और भी तो सामान जाता है आत्मा के साथ, इंद्रिय मन बुद्धि आदि। तो इन अनात्म तत्वों को आप मैं न मान बैठे, इसीलिए आपको ये सब समझाया जा रहा है कि मैं इन सब से पृथक है कोई। तो फिर क्या है ये मैं, कैसे समझें इसको, क्या परिभाषा करें? देखिए एक बात तो आपको अनुभव में आती है, प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, क्या? कि जब तक जीव इस शरीर में रहता है तब तक ये शरीर चेतन रहता है। चेतन, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नासिका सूंघ रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, मन सोच रहा है, यानी उस आत्मा के रहने से ये जड़ शरीर आदि चेतन हो जाते हैं। और जब आत्मा निकल गई तो ये अचेतन हो गया शरीर। तो इससे ये सिद्ध होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कि वो आत्मा नाम का तत्व, वो मैं नाम का तत्व, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। और दो ही तत्व होते हैं, एक स्थावर और एक जंगम, एक चर और एक अचर, एक जड़ और एक चेतन। तो ये आत्मा जो है, ये मैं नाम का जो तत्व है, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है और नित्य चेतन है। ध्यान दीजिए, खाली चेतन मत बोलिएगा, नित्य चेतन है। क्योंकि चेतन तो इस समय शरीर भी है। तो अगर आप कहेंगे जो चेतन हो उसको आत्मा कहते हैं, तो फिर तो शरीर को भी आप आत्मा कह देंगे, क्योंकि इस समय शरीर भी चेतन है। तो खाली चेतन नहीं कहना, नित्य चेतन जो हो, जब इस शरीर में रहा तो भी चेतन है, और इस शरीर से निकला सूक्ष्म शरीर को लेकर के तो भी चेतन है, और सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दिया महाप्रलय में, अकेला लीन हुआ, तब भी चेतन है, नित्य चेतन है ये मैं, ये जीव, ये आत्मा। इसीलिए उसको कहा गया चित शास्त्रों में, चित आधाता, चित्त नहीं, वो तो फिर माइक चीज हो जाएगी, चित आधाता। तो चित माने चेतन, तो ये चेतन है ये जीव। हाँ जी, वो तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये चेतन जीव है क्या? अब इसके आगे कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, लॉजिक काम नहीं करेगा। अब बुद्धि की अंतिम लिमिट आ गई, यानी केवल इतना ही आप समझ सकते हैं बुद्धि के द्वारा जो मैंने अब तक समझाया इस मैं के विषय में। इसके आगे बुद्धि का वर्क समाप्त। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सह। गीता तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, जो बुद्धि से परे हो वो है मैं, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता उसको। वेद भी कहता है इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां मंत्र,
बुद्धि से परे है वो। तो जब बुद्धि से परे है तो बुद्धि से हम उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं सकते। इसीलिए कोई भी लॉजिक, कोई भी तर्क, कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो इस मैं को जान सके एक्सपीरियंस में साक्षात। अरे ऐसे तो फीलिंग हो रही है हम लोगों को मैं, लेकिन उसको साक्षात अनुभव कर सके, देख सके, जान सके, ऐसा कोई साधन नहीं मटेरियल, कोई बुद्धि नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई साइंस नहीं। इसके आगे अगर आपको जानना है तो आपको शास्त्रों की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, आज शास्त्रों से हम इसमें के बारे में विचार नहीं करेंगे। जहां तक कॉमन सेंस जाएगी बस वहीं तक विचार करेंगे, शास्त्रों से फिर कभी विचार करेंगे। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसमें इसको विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है। उसमें तो मेरा नाम की जो चीज है उसको समझने की आवश्यकता है। क्यों जी, मेरा को समझने की क्या आवश्यकता है? मेरे के बारे में समझना है हमको, इसीलिए कि जो मेरा है ये मेरा में से ही एक तत्व ऐसा है जिससे हमारा ईश्वरीय लक्ष्य हल होगा। देखो, ये मेरा भी जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले मैंने आपको बताया कि दो चीज हमारे पास है, एक मैं और एक मेरा। मैं के विषय में कॉमन सेंस से विचार करने के बाद अब मेरा लिया जा रहा है। ये मेरा जो है ये भी दो प्रकार का होता है। एक मैं के ऊपर वाला मेरा और एक मैं के नीचे वाला मेरा। बस केवल दो ही प्रकार का मेरा होता है, एक मैं के ऊपर और एक मैं के नीचे। क्यों जी, ये दो ही मेरा क्यों होता है? इसीलिए कि तीन तत्व होते हैं बस, कुल जमा टोटल। पहले भी आपको बताया गया है, याज्ञौ द्वावजा विशनीषा वजा येका भोग त्रिभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का नौवां मंत्र। एतच् ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम् नातः परम् वेदितव्यम् हि किञ्चित् भोक्ता भोग्यम् प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तम् त्रिविधम् ब्रह्ममेतत्। तीन तत्व होते, एक यह, एक मैं और एक वह। यानी मैं के अलावा दो बचे, एक यह और एक वह। यह का अभिप्राय है माया से और वह का अभिप्राय है भगवान से। तो ये दो तत्व हैं, माया और ईश्वर, यह वह। तो हम यह को भी मेरा बोलते हैं और वह को भी मेरा बोलते हैं। तो ये दो मेरा हो गए, एक गलत और एक सही। क्यों जी, हम ये दोनों को मेरा क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक गलत और एक सही, एक अज्ञान और एक ज्ञान। यानी एक तो गुरु ज्ञान, शास्त्र वेदादि का ज्ञान, एक तो ये चीज है हमारे पास, और दूसरी चीज है हमारे पास अनादिकाल से संचित किया हुआ अनंत जन्मों में अज्ञान, गलत ज्ञान, अज्ञान, जो हमने मेहनत से कमाया है। तो ये दो चीज हमारे पास हैं, अज्ञान और ज्ञान, गलत और सही। तो अनंत जन्मों के अज्ञान के कारण
जो गलत ज्ञान हमारे भीतर है उसके कारण यह भी मेरा, और जो गुरु ज्ञान शास्त्र वेदादि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके कारण वह भी मेरा। ये दोनों को हम मेरा बोलते हैं, यह भी मेरा वह भी मेरा। जब वह भी मेरा जो हम कहते हैं, उस वह भी मेरा में से भी कटता जाएगा, और कटते 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 जब वह ही मेरा हो जाएगा तो यह भी मेरा समाप्त हो जाएगा। ये जो गलत मेरा है, यह भी मेरा जो संसार के लिए माया के लिए हम बोलते हैं, और भगवान भी मेरा, वहां भी हमने भी लगा रखा है, तो जब वह भी मेरा यानी भगवान के लिए बोलते हैं हम वह भी मेरा, तो ये भी की जगह हमको ही लगाना है उनकी कृपा पाने के लिए। तो जब हम अभ्यास करते जाएंगे और वह भी मेरा में से भी कटता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, और निकलते निकलते जब 100% भी निकल करके ही आ जाएगा वह ही मेरा, तो यह भी मेरा समाप्त हो जाएगा। बस वही क्षण जीव के परम सौभाग्य का होगा। अब उसमें चाहे एक दिन लगे, चाहे एक साल लगे, चाहे एक जन्म लगे, चाहे 10 जन्म लगे, चाहे 10 करोड़ जन्म लगे, ये सब हम लोगों पर निर्भर है। इसमें भगवान और महापुरुष नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि ये हमारी स्पीड पर निर्भर है। स्वतंत्र क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा प्रियादास, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तो देखो ये मेरा दो प्रकार का हुआ, एक मैं के ऊपर वाला सही मेरा भगवान, और एक गलत मेरा मैं के नीचे वाला माया संसार। अब जो ये गलत मेरा है इसके बारे में समझिए, आप कहेंगे सही मेरा के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि सही मेरा के विषय में हमको ही लगाना है, और सही मेरे के बारे में समझ करके ही हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो अभी आप गलत मेरा के बारे में क्यों बता रही हैं?